हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साइदर। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडीमेड सेफ्टी टैंक के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये रेडीमेड एक सेफ्टी टैंक है, इसमें एक छोटा और एक बड़ा टैंक रहता है और लास्ट में यहाँ पे एक शॉर्ट पिच स्लॉट में बनाया गया है। दोस्तों, मैं आज आपकी वीडियो में बताऊँगा कि इसका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और इस सेफ्टी टैंक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला टैंक है, इसमें हम लोग यहाँ पे बाथरूम का आउटलेट पाइपलाइन है, इसको हम लोग इन कर दिया है। यहाँ पे ये है 4 इंच की पाइपलाइन, हम इसको इन कर दिया है। दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि बाथरूम का जो हमारा ड्रेनेज पाइपलाइन सिस्टम है, बाथरूम किस तरह से हम लोग लाए हैं। तो दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाथरूम का पीछे का साइड है, इससे हम लोग 3 बाथरूम का यहाँ पे आउटलेट पाइपलाइन कनेक्शन कर दिए हैं, ये देख सकते हैं। और इससे हम लोग ये गैस पाइपलाइन का ये उठा दिए हैं। और दोस्तों, ये जो बाथरूम है, ये एक टेम्पोरी बाथरूम है, जो जैसे बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं उसके मजदूर काम करते हैं, उसी के लिए ये बनाया गया। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसमें जो इंडियन पेन होता है, उस सीट होता है, उसको भी यहाँ पे लगा दिया गया। इसको हम लोग दिखाते हैं अंदर के चीज को। तो अंदर में देख सकते हैं, अंदर में यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट लगाया गया है और ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो रहा है, ये सोल्डिंग होने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सेफ्टी टैंक है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो पुराने वाला जो सेफ्टी टैंक होता है, जिसे ईंट वाले सेफ्टी टैंक होते हैं, उसमें जो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, उससे ये अलग है। उससे कैसे अलग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ये जो सेफ्टी टैंक होता है, ये सस्ता में मिल जाता है, ये जो सेफ्टी टैंक है ये सस्ता में बनता है। तो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम मैं आपको पहले बताता हूँ। ये जो शुरू में बताया था, वो जो जो बाथरूम का आउटलेट है ये, और इसका जो ये जो टैंकी है, इसका गहराई है वो 8 फीट है। और जो उसका पाइपलाइन जो होता है, जिसे ये पाइपलाइन हो गया बाथरूम का, और दूसरा ये जब भरेगा तो उसके लिए एक पाइपलाइन इसमें हम लोग दे दिए हैं। ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे दिया गया है, और ये भी बीच में दिया गया है। जो पुराने वाला सेफ्टी टैंक होते हैं, जैसे कि ईट वाला सेफ्टी टैंक होते हैं, उसमें नीचे दिया होता है, इसमें ये ऊपर दिया गया है। और ये छोटा और एक छोटा टैंकी है और एक बड़ा टैंकी, ये बड़ा टैंकी है और ये छोटा टैंकी है। छोटा वाला जो टैंकी का गहराई है वो 4 फीट का है लगभग। ये जो पाइपलाइन है, ये बड़े वाले टैंक से हम लोग आपको बताए थे, वो पाइपलाइन जो बड़े वाले टैंक में ओवरफ्लो होगा, ये पानी इसमें छोटे वाला टैंक में भरेगा। तो इसका जो गहराई है, आपको बताए थे कि ये इसका गहराई 4 फीट है, यहाँ पे पानी सिर्फ रहेगा। और बड़े वाला टैंक में जो वेस्ट मटेरियल जो होगा, वो उसमें पूरा जमा होते जाएगा, वहाँ से आउटलेट होगा, बाथरूम से आउटलेट होगा, यहाँ पे जमा होगा। और छोटे वाला टैंक में सिर्फ पानी आएगा, और इससे भी पानी जो ओवरफ्लो होगा और सीधे वो शॉर्ट पिच में जाएगा। दोस्तों, ये जो सेफ्टी टैंक होता है, ये सस्ता भी मिल जाता है, और जो इसका कंपनी होता है बनाने वाला, जो रिंग बनाने वाला कंपनी होता है, जो लोग बनाते हैं उसी लोग इसको आके सिर्फ गड्ढा खोला जाता है और वो लोग आके इसको फिट कर देते हैं। और उसके बाद जो ये जो बना आपको दिख रहा है शॉर्ट पीस, ये शॉर्ट पीस जो राजमिस्त्री होता है वो खुद से बनाता है ये। और जो पानी होगा, जो सेफ्टी टैंक भरने के बाद जो आउटलेट पानी निकलेगा, ये इसी शॉर्ट पीस में जाएगा, और शॉर्ट पीस में यहाँ पर ईंट भरेगा, ईंट भरने के बाद जो पानी होगा वो खींचते रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा इधर कर।